हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 408 है। पार्ट नंबर 407 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 8 जो है ना आपको 96 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नोत्तर के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 8 है ना, 8 आपको 96 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को रखेंगे। देखिए 8 को क्या करेंगे, 8 में क्या करते हैं 12 से गुना करते हैं, 12 8 कितना होता है 96 होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 7 में भी क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे तो 12 6 कितना होता है 84 होता है। यानी इस प्रश्नोत्तर किन पर कौन सा संख्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको 3 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, 12 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 39 लिख रहे हैं, 39 से क्या लिख रहे हैं 120 लिख रहे हैं, और 120 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में क्या करिएगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 में सर इसमें करना क्या है, 3 में क्या करेंगे 12, 4 से गुना करेंगे, 4 से ही 12 है, लेकिन उसी प्रकार से 12 में भी क्या करेंगे गुना करेंगे 4 से, तो 12 से कितना होता है। देखिए तब यहाँ पर 12 में क्या करेंगे गुना करेंगे 4 से, तो बढ़ चुके 48 होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर 48 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर तब 39 लिख रहा है, यहाँ पर 48 रहा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक की देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर कहेंगे 3 में 3 से गुना करेंगे तो तितली का 9 हो जाएगा, और 9 में क्या करते हैं यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 12 आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 से क्या लिख रहे हैं 39 लिख रहे, तो 12 में क्या करते हैं यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, बढ़ते ही 36 हो गए, और 36 में यहाँ पर क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो कितना क्या 39 हो जाएगा। 39 यार 39 लेकर लिख रहे हैं 120 लिख रहे हैं, तो 39 में भी उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए 39 में 3 से गुना करेंगे, यानी 39 में 3 से गुना करेंगे तो 117 आएगा, और 117 में क्या करेंगे यहाँ पर 3 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या 120 आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे 120 में 3 से गुना करेंगे, 120 में 3 से गुना करेंगे तो 360 आएगा, कितना क्या 360, और 360 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है यानी 363 आ जाएगा, कितना क्या 363, यानी यहाँ पर कितना है यहाँ पर 363 आ जाएगा, तो 300 यहाँ पर कितना है 63, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 363 हो जाएगा। तो 363 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन 4 शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, 1 आपको अलग यानी विषम है, इन 4 शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए में कह दिए क्लिप दिए, दूसरा में कह दिए यहाँ पर पिन दिए, तीसरा में कह दिए यहाँ पर बैंड दिए, और चौथा में कह दिए तौलिया दिए। तो इन 4 शब्द को ध्यान देखने के बाद में आपको कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, पिन, यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर क्लिप दिख रहा है, पिन दिख रहा है, और बैंड दिख रहा है, इन तीनों क्या है लगाने वाला चीज है, क्या है लगाने वाला चीज है। देखिए पिन भी लगाते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा पिन भी लगाते हैं, देखिए क्लिप भी लगाते हैं, और यहाँ पर बैंड, जैसे पाइप हो गया, पाइप में जुड़ने के लिए बैंड होता है ना, तो बैंड बैंड भी क्या करते हैं, ये लगाने वाला चीज है, तीन क्या लगाने वाला है। देखिए तीनों शब्द क्या बोल रहा है, तो तीनों शब्द आपको लगाने वाला है, ठीक है, यानी लगाने वाला है, देखिए लगाने वाला, ये लगाने वाला है, लेकिन तौलिया क्या, तौलिया लगाने वाला चीज है, नहीं तौलिया पहनने वाला चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपको बी समझ जाएगा, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी शुगर को यहाँ पर ARGSU लिखा जाता है, तो यहाँ पर TEAST को कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में यानी शुगर को क्या लिख रहा है, ARGUS लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले शुगर को लिख लेते हैं, देखिए उसी कुट भाषा में आपको यानी TS को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है, एस हो गया, ई हो गया, यहाँ पर जी हो गया, ए हो गया, और आर हो गया, ठीक है, आर हो गया। इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है,
ए हो गया, आर हो गया, जी हो गया, एस हो गया और यू हो गया। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ए को यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर देखिए आर को यहाँ पर आर लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यू को देखिए यहाँ पर यू लिख दिया, और एस को देखिए यहाँ पर एस को एस लिख दिया, और जी को क्या लिखिए, जी को आपको अपने सामने लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी टी ए एस देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, टी लिख रहा है, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर टी हो गया। इसको भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए एस को यहाँ पर ला देंगे तो यहाँ पर एस हो गया, ठीक है। और टी को भी क्या करेंगे, यहाँ पर ला देंगे तो ये टी हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ई, ई को आपको देखिए यहाँ पर ई, ये यहाँ पर कर देंगे, और टी को क्या करेंगे, टी को आपको देखिए यहाँ पर इसको टी कर देंगे, और ए को आमने सामने कर देंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो गया। देखिए तो यहाँ पर जो है ना कि टी ई ए एस टी को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर एस टी ए टी ई लिख रहा है। देखिए एस टी ई एस टी ए ई टी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, एस टी ए टी ई, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दे, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह का प्रश्न हो ना, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए रूम में ज्ञात करते हैं या तो कलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको बीच में देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रहा है, एंड देखिए दोनों तरफ क्या दिख रहा है, तीन दिख रहा है और चार दिख रहा है, छोटी संख्या हो गया, और बीच में संख्या दिख रहा है, सात हो गया और पांच हो गया और 38 दिख रहा है, यानी हमको समझ में आ गया कि दोनों तरफ से क्या करेंगे कि बीच में 15 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां क्या करेंगे, अगर दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो चार तीन जोड़ेंगे तो सात आएगा, अगर गुना भी करते हैं तो देखिए चढ़ते हैं कितने, तो 12 होता है, यहां 15 नहीं रहा है। इसमें थोड़ा लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहां पर तीन को यहां पर इनको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी बीच वाली संख्या आएगा। देखिए तो यहां क्या करते हैं, यानी तीन हो गया, ठीक है, यानी तीन में क्या करते हैं, चार से गुना कर लेंगे, यहाँ तीन हो गया, तीन में क्या करते हैं, चार से गुना करेंगे, चार से गुना करेंगे और यहाँ पर तीन को जोड़ देंगे, तो चढ़ते ही 12 हो गया, 12 में तीन को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर देखिए 15 गया, यानी 15 जगह, देखिए बीच में संख्या 15 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, सात को और यहाँ पर पाँच को आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहेंगे सात हो गया, फिर गुना कितना गया, पाँच आ गया, फिर यानी प्लस कितना करेंगे, तीन करेंगे, सात पाँच पैंतीस, पैंतीस में तीन जोड़ देंगे तो कितना गया, 38 आ गया। देखिए यहाँ पर बीच में 38 दिया ना, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे। देखिए तीन को और पाँच को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यहाँ पर तीन हो गया और गुना कितना गया, पाँच आ गया, और यहाँ पर तीन को जोड़ लेंगे, ठीक है, तीन को सब में जोड़ेंगे। देखिए तो पहुँचते हैं 15, 15 तीन कितना गया, 18 गया, कितना गया, 18 गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छः नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर हैं, यानी पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं, तो पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, ठीक है। देखिए तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल आपको 42 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में से क्या बोल रहा है कि स्वाति का स्थान कितना है, 19वां है। मान लीजिए स्वाति का स्थान कितना है, नीचे से कितना दिया है, 19वां दिया है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं, तो बोल रहा है कि जो स्वाति स्वाति से पुरुषोत्तम है ना वो 6 स्थान नीचे हैं, तो 6 स्थान नीचे का मतलब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, माइनस को कर लेंगे। यहाँ पर देखिए तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 42 को, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 जाएगा, कितना गया, 13 गया। तो बताना क्या है, तो पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या है, तो पुरुषोत्तम को जो देखिए नीचे से दिया है और ऊपर से पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करके और यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। अब देखिए इनको क्या करेंगे, इनको सोल्व करते हैं, 42 में से 19 बोले 42 में से 13 घटाएंगे, जब 42 में से यहाँ पर 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, और 29 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना गया, 30 आ गया, कितना गया, 30 आ गया, यहाँ पर कितना दिए, 30 दिए, ठीक है, यहाँ पर कितना गया, 30 आ गया, यानी 30वां हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या है, तो 30वां है, तो 30वां देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों सातवां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बादल जो है ना आपको वर्षा से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आग जो है इस प्रश्नावाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे से समझित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो बादल है ना वर्षा से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो बादल, जब बादल छाएगा तो वर्षा होती है, ठीक है, जब बादल छाएगा तो वर्षा होती है, उसी प्रकार से जब आग लगेगा तो क्या होगा, आग जब लगेगा तो धुआं होगा, क्या होगा, धुआं होगा। जिस प्रकार से बादल होगा तो क्या वर्षा होगा, आग लगने पर क्या होता है, धुआं होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। तो धुआं देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आठवां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से यानी मैचिंग युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए समरूपता के आधार पर आपको नीचे एक क्या दिया है, यानी विकल्पों में से देखिए मैचिंग युग्म यानी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर जो आपको एक शब्द लिखा है यानी संख्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 27 ले, अनुपात कितना दिया, यहाँ पर 9 दिए। ये जो जिस प्रकार से आपस में दोनों संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसी प्रकार से समझ दिया है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शब्द लिखा है ना, जो अक्षर लिखा है, वो आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहां पर क्या करेगा, यहां पर देखिएगा कि 9 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर देंगे तो 9 3 27 है, ठीक है। देखिए अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 आएगा, लेकिन उसी प्रकार से आपस में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे, जब 5 5 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है, तो ले यहाँ पर 125 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किए जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए 27 27 किसका स्क्वायर दिख रहा है, देखिए तो 27 को क्या करते हैं, यहाँ पर 3 3 का क्या करेंगे, यानी 27 को लिख रहा है, तो 3 का क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, यानी तितली का 9 9 3 27 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 9 लिखा है, 9 किसका, तो 9 का स्क्वायर है क्या, 9 का यहाँ पर 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 3 का स्क्वायर है, तितली का 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा इस प्रकार से संबंधित है। देखिए अगर यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 यहाँ पर क्या है, 125, अगर 125 को यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 5 का क्या करना की करेंगे, तो 50 25 25 5 125 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ये 5 लिख रहे हैं, ये यहाँ पर 5 का 1 हो जाएगा, तभी तो 5 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये आपको संबंधित नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को देखेंगे, दूसरा में क्या दिख रहा है, 35 और 15 दिख रहे हैं, तो 35 किसका स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 15 15 में क्या करता है, यहाँ पर 15 15 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो तितली का 9 3 5 15 नहीं हो रहा है ना, इसमें नहीं हो रहा, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी में मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, 64 लिया है, ठीक है, तो 64 किसके प्रकार से लिखा है, देखिए तो यहां पर क्या करेंगे, 4 4 4 16 16 64 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, लेकिन यहां पर भी क्या करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 64 को 16 होना चाहिए, यहां पर 8 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, 29 दिख रहा है, तो 29 किसका स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 29 है, तो 29 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 29 आपको किसका स्क्वायर है, तो देखिए 9 9 का क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना है, 99 81। देखिए यहाँ पर क्या करता है, इसको ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 729 लिखा है, ठीक है, यानी 729 अनुपात कितना दे, यहाँ पर 81 दिया है, कितने दे, 81 दिया है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 729 लिखा है, तो 729 को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 9 9 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 99 81 81 में 3 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना देगा, 729 देगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, 81, तो 81 में क्या करते हैं, यहाँ पर 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जब 9 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 99 81 है, यानी क्या देगा, ये जिस प्रकार से आपस में मैचिंग है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, यानी 729 81 से संबंधित है, यानी 81 से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर पुरुष दिए, पिता दिए, भाई दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर पुरुष से पिता है और भाई है, तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तीनों में से सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, पुरुष मिल रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए पुरुष हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, एक क्या दिख रहा है, पुरुष लिख रहा है, पुरुष हो गया, यानी देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पुरुष, पुरुष के अंदर में कहते हैं पिता आते हैं, तो पुरुष के अंदर में यहाँ पर पिता लिखते हैं, ठीक है।
पिता के, पुरुष के अंदर पिता आते हैं। और देखिए कुछ पिता क्या होते हैं, यहाँ पर भाई भी होते हैं। अगर कहिएगा कि सर इसमें देखेगा होगा, यहाँ पर भाई अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर भाई इसमें रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया भाई हो गया। देखिए पुरुष के अंदर में क्या है, पिता और भाई दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपस में क्या, पिता भाई दोनों आपस में समझते हैं। किस प्रकार से, देखिए कुछ पिता क्या होते हैं, कुछ पिता यहाँ पर भाई होते हैं और कुछ भाई भी क्या होते हैं, पिता होते हैं, इसलिए आपस में इस प्रकार से समझित हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो आप इस तरह का जो इवेंट देख रहे हैं ना, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दस नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जेड, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक्स, एक्स जेड का बेटा है, ठीक है, यहाँ पर वाई जेड, देखिए वाई जेड का बेटा नहीं है, यहाँ पर जेड जेड की, देखिए के जेड की पत्नी है, वाई देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स, एक्स वाई का भाई है, तो वाई देखिए वाई के का क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बोल, देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है उसको क्या कहते हैं, डायग्राम को बनाते चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जे एक्स, एक्स जो है ना वो जेड का बेटा है, एक्स जो है क्या है जेड का बेटा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं जेड को रखते हैं, ठीक, जेड, जेड जो है ना आपको एक्स का बेटा है, यहाँ पर एक्स रखते हैं, यानी एक्स, देखिए जेड का बेटा कौन है, यहाँ पर एक्स है, एच को हम क्या रखते हैं बेटा को रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, वाई जो है ना वाई वो जेड का बेटा नहीं है, तो मान लीजिए वाई को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, वाई, वाई क्या है वो जेड का बेटा नहीं है, जेड का बेटा वाई नहीं है, तो जब बेटा नहीं है तो मान लीजिए क्या इसको बेटी में रख लेते हैं, जब बेटा नहीं होता क्या होगा, बेटी ही होगा, बेटी हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि के, के जेड की पत्नी है, लेकिन जेड की पत्नी कौन है, यहाँ पर देखिए के को रखते हैं, ठीक है, के क्या है यहाँ पर पत्नी हो गया, जेड की पत्नी कौन है, के है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि एक्स, एक्स जो है ना वाई का यानी भाई है, यानी पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्स जो है ना एक्स वाई का भाई है, एक्स जो वाई का भाई है, जो एक्स है ना तो वाई का भाई है, तो वाई का भाई कौन हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, भाई है, यहाँ पर भाई हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि वाई, वाई जो है ना वो के का क्या संबंध है, यानी वाई जो है ना वाई वो के से किस प्रकार से संबंध है, यानी देखिए वाई जो है ना वाई वो के का क्या लगेगा, ठीक है, देखिए वाई जो है वाई वो के का क्या लगेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं डायग्राम, और ध्यान से देखिए डायग्राम एक बार ध्यान से देखेंगे, देखिए जेड, जेड यहाँ पर जेड हो गया, जेड की पत्नी कौन दिख रही है, तो जेड की पत्नी यहाँ पर के दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर देखिए के दिख रही है, और देखिए जेड का बेटा कौन दिख रहा है, तो जेड का बेटा एक्स दिख रहा है, जब जेड का बेटा एक्स हो गया, ठीक है, और एक्स का भाई कौन दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो एक्स का भाई हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भाई हो गया इसका मतलब जेड का पत्नी, देखिए जेड का पत्नी हो गया के हो गया, और जेड का पति, जेड का सॉरी यहाँ पर जेड का बेटा कौन हो गया, यानी क्या हो गया वाई, यानी एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया। और यहाँ पर बोला है कि देखिए वाई जो है ना वाई वो जेड का, देखिए जेड का पत्नी यानी क्या है बेटी नहीं है, तो बेटा नहीं, सॉरी बेटा नहीं है, तो बेटी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटी हो जाएगा, क्या होगा बेटी हो जाएगा। देखिए जेड का जब पत्नी होगा तो आपस में बताना है कि देखिए वाई और के का क्या संबंध है, ठीक है, यानी क्या है, देखिए तो के का जो है ना के का वाई क्या लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा बेटी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्योंकि ये बेटा नहीं है, ये यहाँ बोला है कि बेटा नहीं होना चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटी हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी पुत्री हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेड की पत्नी कौन हो गई, के हो गई, और जेड का बेटा कौन हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। और लेकिन देखिए जेड का जो है ना वाई बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो बेटी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए इसका पत्नी का वाई से किस प्रकार से समझते हैं, तो के को वाई से किस प्रकार से समझते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वाई लिखे, ठीक है, वाई, वाई जो है ना के की, यानी वाई जो है के की क्या है पुत्री है, यहाँ पर पुत्री रख लेंगे, ठीक है, पुत्री है, यहाँ पर पुत्र हैं, तो पुत्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटी हो जाएगा, पुत्री क्या बेटी की बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर ये आकृति दी है, इन आकृति को बताना है कि इस आकृति को इस दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से आकृति दर्पण में दिखेगा, यहाँ पर इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर प्रश्न समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, इस आकृति को हमको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस आकृति को यहाँ पर एक दर्पण रखा है, ठीक है, यहाँ पर दर्पण रखा है, इस दर्पण में क्या करते हैं देखते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये वाला तो आपको इसी तरह से पलट जाएगा, ठीक है, देखिए इसको हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये वाला जो है ना ये वाला आपको ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि इसको नीचे की तरफ पलटेंगे, यानी ये देखिए इधर सीधा पलट देंगे तो किधर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर डी, ठीक है, देखिए डी, तो डी भी क्या करेंगे आपको यहाँ पर सीधा ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पलट जाएगा। और देखिए चार, चार भी आपको क्या हो जाएगा, तो चार आपको उल्टा हो जाएगा, यानी चार के चार आपको उल्टा बन जाएगा, देखिए चार आपको इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, चार आपको इस प्रकार से बन गया। और चार के बाद में देखिए छः, छः जो है ना देखिए ये वाला छः,
ई वाला छः को क्या बनेगा, ई वाला छः को आपको नौ बन जाएगा, ठीक है नौ बन गया। लेकिन ए देखिए यहाँ पर ए दिया एच दिया, ए को क्या करेंगे, ए आपको इस प्रकार से बन जाएगा और एच को देखिए एच को अगर पलट देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का अगर इस आकृति को और हम दर्पण में देखेंगे इस यानी इस तरह की दिखेगा, इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन में डी फोर ई ए, देखिए यहाँ पर सब दिख रहा है लेकिन एच आपको सीधा दिख रहा है, ये आपको नहीं हो रहा है, ठीक है। बी में देखिए, बी में देखेंगे तो बी में देखिए नौ आपको देखिए इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, यानी क्या करिए इसमें भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, सी में क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, यहाँ पर चार दिख रहा है, नौ दिख रहा है, छः दिख रहा है, ए दिख रहा है, एच दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित दी गई, देखिए निम्नलिखित दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति को पूरा करती है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर एक आकृति दी है, ठीक है ये प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति में एक खाली स्थान दिया है, ठीक है एक खाली स्थान की जगह पर इन चार स्थानों से कौन सी आकृति भरा जाएगा आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर सब में चल रहा है, देखिए इसमें भी क्या करेंगे इस प्रकार से रख देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे यानी इसमें भी आपको रख देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दो गोला इसमें दिया है तो दो गोला इसमें दिया है, ठीक है, और इस दो गोला को ऊपर रख दिया है, ठीक है, क्या करेंगे इसमें भी क्या करें इसमें भी उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे, ये छोटा वाला क्या करें छोटा वाला रखेंगे और उसके बाद में बिंदु रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करें यहाँ पर भी हम गोला रखेंगे और यहाँ पर छोटा वाला को क्या करेंगे यहाँ पर बिंदु रख लेंगे, यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे इस तरह से बिंदु रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करें यहाँ पर भी हमको दो गोला रख लेंगे, यहाँ पर दो गोला हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या करेंगे इसमें इस तरह से हो जाएगा और इसमें इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही इस तरह का जो आकृति क्या पूरा करेगा, ठीक है इस तरह का आकृति पूरा करेगा, इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, क्योंकि बी में दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।